हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और आज बेसिक इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें वर्ब टू बी का यूज किया जा रहा है और उसके बाद हम इसमें प्रेपोजिशन का भी यूज कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए भी जो बेसिक सीख रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। कैसे? अगर आपको कहना हो कि वह इस केस में बरी हो गया है तो फिर कैसे बोलेंगे? अगर आपको कहना हो कि वह इस केस में दोष मुक्त हो गया है, वह इस केस में गुनाहगार साबित हो गया है, मान लीजिए भी बोलना है, या फिर आपको कहना है कि वह इस हत्या का आरोपी है तो आप कैसे बोलेंगे? या फिर आपको कहना है कि वह पढ़ने में तल्लीन है, वह पढ़ने में लीन है, वह पढ़ने में मग्न है तो फिर आप कैसे बोलेंगे? या फिर हम कहेंगे कि मुझे आपसे स्नेह है, तो हम ऐसे से प्रीपोजिशन एंड वर्ड्स का कलेक्शन कर रहे हैं। ये सभी स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। बस डिपेंड करता है कि आप इन सभी पर कितने सारे सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ समझ लेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ तो प्रैक्टिस की बात होनी चाहिए। तो इन सभी पर आपको बहुत सारे सेंटेंस को बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आप इस पर कमांड कर लें और बोलने में और लिखने में इसका यूज कर सकें। लेकिन आपको करना क्या है कि आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। कंजूसी नहीं करने, लाइक करने में पैसा खर्च नहीं होता है और न ही उससे हमें पैसा मिलता है, बल्कि हमें लगता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसलिए लाइक करना ज़रूरी है। और अगर आप न्यू हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि रोज़ सवेरे 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे कोई भी दिन हो। कभी शायद ही कोई आवश्यक कार्य आती है तो हम वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन वो रोज़ सवेरे वीडियो अपलोड होती ही है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए ठीक से समझना ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। और सबसे पहले है ही इज अक्यूज्ड ऑफ। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट हम बदल सकते हैं, आई यू दे कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब देखते हैं अक्यूज्ड ऑफ मीन्स क्या होगा। तो का आरोपी होना, का आरोपी होना, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति पर जब कोई आरोप लग जाता है कि या फिर कोई आम पब्लिक उस पर आरोप लगाता है, तो उसमें हम अक्यूज्ड का प्रयोग करेंगे। ये आरोप आम आदमी लगाएगा, जैसे देखेंगे ही इज अक्यूज्ड ऑफ एबडक्टिंग अ चाइल्ड, उस पर आरोप लगा, किसी ने कंप्लेन किया, रिपोर्ट दर्ज करवाया कि उसने हमारे बच्चों को अपहरण कर लिया है, तो उसमें हम अक्यूज्ड बोलेंगे उस व्यक्ति को। लेकिन आगे कुछ और नियम है, इसलिए हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। तो ही इज अक्यूज्ड ऑफ एबडक्टिंग अ चाइल्ड, वह एक बच्चे को अपहरण करने का आरोपी है। मतलब ये हुआ कि उस पर आरोप लगा है कि उसने एक बच्चा को अपहरण कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, मिस वह हत्या का आरोपी है, उस पर आरोप लगा है कि उसने हत्या किया है। ही इज अक्यूज्ड ऑफ बैंक रॉबरी, बैंक लूट का आरोपी है, वह बैंक लूट का आरोपी है। ही इज अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग ब्राइब, वह घूस लेने का आरोपी है। मतलब उस पर अभी आरोप लगा है, कोर्ट से आरोप नहीं लगा है, बल्कि अभी नीचे स्तर पर उस पर आरोप लगाया गया है कि वो इसने ऐसा गलती किया है, अपराध किया है। चलिए अब उसी अनुसार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि देखिए सब्जेक्ट हम कोई भी रख सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, हम अपने तरीके से रख सकते हैं। और उसके बाद कन्विक्टेड मिस क्या होगा। अब ये समझना ज़रूरी है कि अक्यूज्ड और कन्विक्टेड में क्या अंतर है। अक्यूज्ड में हम आप उस पर आरोप लगाते हैं किसी भी व्यक्ति पर, लेकिन कन्विक्ट का मतलब है कोर्ट द्वारा आरोप लगाया जाना। अगर हिंदी में लिखें तो दोष सिद्ध होना, दोष सिद्ध होना, इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट में सिद्ध हो गया कि हाँ उसने यह अपराध किया है या किया था। He was convicted of corruption, उसे भ्रष्टाचार के मामले में दोष सिद्ध कर दिया गया, गुनाहगार साबित कर दिया गया। मान लीजिए किसी का गुनाह साबित हो जाता है तो आप यूज़ करेंगे convicted of, ERM was verb के साथ में। जैसे He was convicted of possessing a weapon, मतलब क्या हुआ,
उसे हथियार रखने के मामले में गुनाहगार साबित कर दिया गया। उसे हथियार रखने के मामले में गुनाहगार साबित कर दिया गया। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, वह हत्या के आरोप में उसे गुनाहगार साबित कर दिया गया या हत्या मामले में उसे गुनाहगार साबित कर दिया गया, दोष सिद्ध कर दिया गया। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ ड्रिंक ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में उसे दोष सिद्ध कर दिया गया। ये आपको ईजी भी है क्योंकि वर्ब टू बी के साथ में यूज करना पड़ता है तो आसान हो गया, लेकिन ये एडवांस स्ट्रक्चर है, इसको समझना होगा और जुबान पर रखना होगा क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर या फिर न्यूज़ में आप देखेंगे कि ये सब का यूज़ अक्सर हो रहा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज अक्विटेड, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन वन नहीं लिखा गया है क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है जो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कोई बहुत सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं जिसे आपको याद करना पड़ता है, लेकिन अक्विटेड मीन्स होता क्या है ये सोचना है। अब यहाँ पर तो आरोप लग गया, यहां पर तो दोष सिद्ध भी हो गया, लेकिन अब क्या बचा? तो अब बचा बरी हो जाना। किसी केस में, किसी मामले में, अपराध के मामले में दोष मुक्त हो जाना, दोष मुक्त, इसको भी याद रखेंगे, दोष मुक्त होना। अगर आप लोग हिंदी में देखेंगे हम लोग बोल रहे होते हैं कि बरी हो गया, वह इस मामले में बरी हो गया, जरूर सुने होंगे, लेकिन शुद्ध हिंदी में दोष मुक्त होना हम समझेंगे। तो ही वॉज अक्विटेड इन द मर्डर केस, वह इस हत्या मामले में दोष मुक्त हो गया, बरी हो गया। अक्विटेड मीन्स बरी हो जाना, दोष मुक्त हो जाना, वो भी कोर्ट के द्वारा। ही वॉज अक्विटेड फॉर लैक ऑफ एविडेंस, सबूत के अभाव में उसे दोष मुक्त कर दिया गया। सबूत के अभाव में उसे, साक्ष्य के अभाव में उसे दोष मुक्त कर दिया गया। ही वॉज अक्विटेड ऑन ऑल चार्जेज, उसे सभी आरोपों पर दोष मुक्त कर दिया गया, मतलब बहुत सारे आरोप उस पर लगे थे उन सब में उसको बरी कर दिया गया। ही वॉज अक्विटेड ऑफ द मर्डर ऑफ हिज वाइफ, उसे अपने पत्नी को हत्या के मामले में बरी कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं ये सब अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज किया गया है और इन सभी को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है आई एम अक्वेंटेड विद, अक्वेंटेड विद का मतलब परिचित, परिचित होना। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से परिचित हैं तो acquainted with, जैसे I know you, I know him, तो उसी तरह एडवांस रूप में बोलेंगे I am acquainted with your friend, मैं आपके दोस्त से परिचित हूँ, मैं आपके फ्रेंड से परिचित हूँ। I am acquainted with the facts, मैं इस तथ्य से परिचित हूँ। I am acquainted with your elder brother, मैं आपके बड़े भाई से परिचित हूँ। I am acquainted with the product, मैं इस प्रोडक्ट से परिचित हूँ, मैं इसे जानता हूँ। तो चलिए इसके आगे भी देख लेते हैं और चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। आई एम अफेक्शनेट टू, अगर मान लीजिए आपको किसी से स्नेह है, लगाव है, ऐसे अगर डिक्शनरी के अनुसार देखें तो स्नेह या फिर स्नेही होना, लेकिन मैं आपको लिख रहा हूँ लगाव होना। अगर किसी से आपको लगाव है, ज़्यादा जुड़ाव है, तो आप उसमें अफेक्शनेट का प्रयोग कर सकते हैं और टू का प्रयोग करेंगे उसके लिए। जैसे आई एम अफेक्शनेट टू द चिल्ड्रेन, मुझे इन बच्चों से लगाव है, जुड़ाव है। आई एम अफेक्शनेट टू यू, मुझे आपसे स्नेह है, मुझे आपसे लगाव है, मैं आपके प्रति स्नेही हूँ। या फिर आई एम अफेक्शनेट टू एनिमल्स, मुझे जानवरों से लगाव है। आई एम अफेक्शनेट टू माई ऑल फ्रेंड्स, मुझे सभी दोस्तों से लगाव है, स्नेह है। तो अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए, खासकर जूनियर और बराबर से इसके लिए आप अफेक्शनेट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है ही इज एसोसिएटेड विद, मतलब जुड़ा होना। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप किसी संस्था से, किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए आप एसोसिएटेड विद बोल सकते हैं। जैसे ही इज एसोसिएटेड विद माय इंस्टीट्यूशन, वह मेरे संस्थान से जुड़ा हुआ है। ही इज एसोसिएटेड विद सम बैड एलिमेंट्स, मतलब वह असामाजिक तत्व से जुड़ा हुआ है, वह कुछ असामाजिक तत्व से, कुछ अपराधी लोगों से जुड़ा हुआ है, ऐसे बोलेंगे। ही इज एसोसिएटेड विद That networking company, वह उस networking company से जुड़ा हुआ है, उससे संबंध रखता है।
ही इज एसोसिएटेड विद दिस पॉलिटिकल पार्टी, और वह इस पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है या फिर उससे जुड़ा हुआ है। तो क्या याद रखेंगे, एसोसिएटेड विद। अब नेक्स्ट है सी इज एब्जॉर्ब इन का मतलब है मग्न होना। इसको सही से समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई कार्य बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना, लिखना, खेलना, गाना सुनना, किसी से बात करना, अब उसमें इतना तल्लीन हो जाते हैं, इतना मग्न हो जाते हैं कि आपको कोई दूसरा कार्य अच्छा नहीं लगता, किसी की बात अब सुन भी नहीं पाते, इतना तल्लीन हो जाते हैं, तो उसी को बोलेंगे मग्न होना। तो शी इज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडी, वह पढ़ने में, स्टडी करने में मग्न है, तल्लीन है। शी इज एब्जॉर्ब्ड इन कन्वर्सेशन, वह बातचीत करने में मग्न है या फिर तल्लीन है। कुछ लोग आपस में ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं कि उनके माता पिता बुलाते हैं तो सुनता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप बोलेंगे एब्जॉर्ब्ड इन। शी इज एब्जॉर्ब्ड इन लिसनिंग टू म्यूजिक, वह गाना सुनने में मग्न है। शी इज एब्जॉर्ब्ड इन वॉचिंग टीवी, वह टीवी देखने में मग्न है, तल्लीन है, तो ऐसे बोलेंगे। अब नेक्स्ट है आई एम एस्टोनिस्ड एट, तो अचंभित होना, अचंभित होना या फिर आश्चर्यचकित होना, किसी बात को लेकर आप अचंभित हैं या फिर आश्चर्यचकित हैं तो आप बोलेंगे आई एम एस्टोनिस्ड एट, मतलब सरप्राइज्ड एट, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं। तो जैसे देखेंगे आई एम एस्टोनिस्ड एट योर सिंगिंग, तुम्हारे गाना को सुनकर, तुम जैसा गाना गाए हो इसे देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हूँ, अचंभित हूँ। आई एम एस्टोनिस्ड एट हर बिहेवियर, मैं उसके व्यवहार पर अचंभित हूँ। आई एम एस्टोनिस्ड एट दिस न्यूज, और मैं इस समाचार को सुनकर अचंभित हूँ। आई एम एस्टोनिस्ड एट व्हाट इज सेड, उसने जो कहा ये सुनकर तो बिल्कुल अचंभित हूँ। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, और जितना भी ईच आर एम वॉच वर लगा हुआ है ये सब आप पर डिपेंड करता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये एक्शन पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब क्या है कि अब बारी है आपसे सवाल पूछने की, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं तो सवाल ज़रूर करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो फिर हमें ज़रूरी है ये जानना कि आप सीख रहे हैं कि नहीं। अगर आप हमारे इस सवाल का जवाब देते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ आप फायदा उठा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। तो चलिए आपसे एक सवाल करते हैं। तो चलिए आज का सवाल है, वह खेलने में मशगूल है या फिर वह खेलने में मग्न है या फिर वह खेलने में तल्लीन है, तो फिर इंग्लिश तो एक ही होगा कोई, तो आप क्या लिखेंगे। खेलने में यहाँ पर लिखा हुआ है एब्जॉर्ब्ड इन, और आप कैसे यूज़ करते हैं अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।